जनपद बरेली में महिला की सुरक्षा एवं सम्मान धूमिल करने का मामला प्रकाश में आया है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति सख्त रवैया अपना रही है, वहीं परिवहन विभाग के कर्मचारी सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हैं। बरेली थाना फरीदपुर क्षेत्र मोहल्ला फरखपुर शांतिनगर की रहने वाली छात्रा सेजल गुप्ता नीट की कोचिंग करके रोजाना की तरह बरेली सैटेलाइट से शहजानपुर डिपो की बस बरेली से फरीदपुर आ रही थी। जब छात्रा ने रोडवेज बस परिचालक से बस रोकने को कहा, लेकिन परिचालक ने बस नहीं रोकी। जब छात्रा ने विरोध किया, तब परिचालक ने छात्रा के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। तभी छात्रा ने शोर मचाया और अपने पिता को फोन कर जानकारी दी। तब जाकर जैसे तैसे बस रुकी। उधर छात्र के पिता बस के पीछे गाड़ी लेकर पहुंच गए। जब छात्रा के पिता ने कंडक्टर से बस ना रोकने का कारण पूछा ही था कि परिचालक ने अचानक छात्रा के पिता से मारपीट करनी शुरू कर दी। तभी मौजूद लोगों ने परिचालक को ले जाकर फरीदपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रा द्वारा दी गई तहरीर पर थाना पुलिस ने परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर परिचालक को हिरासत में लिया। क्या नाम है आपका? कॉफी। कहाँ रहते हैं? मैं मोहल्ला मैदान। आज थाने आए, क्या मामला है आपका? ये हमारी बहन है, इससे बदतमीजी कर रहा था। फिर क्या हुआ? ड्राइवर, और जब हम लोग कंडक्टर, जब हम लोग इससे पूछने गए तो इसने पेन भोंकना शुरू कर दिए। किसके पेन भोंकना चालू कर दिए? ये हमारे चाचा के। ये दो तीन सवारी लोगों दो तीन लोगों के किसने 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 मारा ये पेन? किसने मारा ये पेन? ये कनेक्टर ने, और डंडा निकाल लिया इसने। बस कहाँ की थी? सजानपुर डिपो की। थप्पड़ मारने वाली क्या बात है? थप्पड़ मारने वाली ऐसी कुछ? थप्पड़ मारने वाली थोड़ा पास में ही आके रोकना था, तब भी रोक नहीं रहा। किस कौन नहीं रोक रहा था? थप्पड़ मारूंगा जल्दी, यहीं करना। तो किसके झापड़ मारेगा? कंडक्टर ने बोला लड़की के झापड़ मारेगा। क्या नाम है आपका? प्रकाश बाबू गंगवार। कहाँ रहते हैं आप? क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना ये कि सवारी यहाँ पे बैठी थी, लड़की भी बैठी थी, उसने कहा रोको रोको, तो कंडक्टर ने कहा आगे करना, बस बार बार नहीं रुकेगी, एक जगह रुकेगी। विजय, कहाँ रहते हैं आप? राजा। ये आज जो ये बस में घटना घटी है, क्या क्या कारण था, किसको लेकर ये घटना घटी? सवारी पैसेंजर को उतरने के लिए, वो भी लेडीज स्कूल का बच्चा जी, तो कंडक्टर ने उतारा नहीं जहाँ से उतरना था। उसके एक छोटा के कह रहा कि वहाँ उतारूँगा जाके। बताइए इतनी गर्मी में उसको क्यों नहीं उतारा स्कूल से? उसको ये अब फिर सवारी बैठाने के लिए उतारे, मतलब बस रोक देते हैं उतारने के लिए, क्यों नहीं उसको उतारा? फिर उसके बाद में लास्ट में उसकी बदतमीजी की उससे, छात्रा के साथ बदतमीजी की। हाँ, कि मैं थप्पड़ मारूंगा उसको, उतरता था हम, शायद थप्पड़ मारा भी है, मैं तो आगे बैठा था, लेकिन बता रहे हैं जो थप्पड़ मारा भी था। अच्छा। फिर बाद में कुंजी अंदर लगा ली, तो ड्राइवर कह रहा है कि बढ़ा दो सालों पर, बढ़ा दो आगे लोग खड़े हुए थे। ड्राइवर पूछ लो आप, ड्राइवर बुला के कहा कि नहीं कहा कंडक्टर ने, वो तो मेरा मारने गिरा था उन लोगों को। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। कहाँ रहते हैं? विधायक जी के आवास के बराबर में। क्या मामला है जो आप थाने आए हुए हैं? वो बेटी कॉलेज वहाँ से कोचिंग से आ रही थी, नीट की कोचिंग कर रही है रतनदीप कॉम्प्लेक्स से। कहाँ से? रतनदीप कॉम्प्लेक्स बरेली से आ रही थी, रास्ते में से वहाँ पे आवास के पास कहा था भैया रोक दो, तो कह रहा यहाँ नहीं रोकेगी, दो दो कदम मेरे पास। उसने कहा भैया तो यहाँ रोक दो, तो ये बोला बदतमीज चल बैठ जा, नहीं रोकेगी, बदतमीजी कर रहा था, तू तड़ाक बोल रहा था। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ रोक दो, तो बोला यहाँ नहीं रोके, तू रोड भी तो रोकेगी, बना तेरे नहीं राम आगे तेरे सूट के थप्पड़ मारूँ। हमें किसने कहा थप्पड़ मार? ये कंडक्टर ने। किससे कहा? बेटी से। क्या नाम है बेटी? सेजल गुप्ता। और उसके बाद में इसने ये वहाँ पर आया, और आने के बाद में इसने हमने इससे कहा भैया क्यों मारा, इसने निकाला पेन और भोंकना शुरू कर दिया, और अदरवाइज लोग आए। किसके मारा पेन? मेरे मारा पीट। आज दिनांक 2 अगस्त 2024 को फरीदपुर निवासी छात्रा द्वारा तहरीर दी गई कि वह नीट परीक्षा की तैयारी बरेली में कर रही है। आज बरेली से फरीदपुर लौटते समय एक रोडवेज बस परिचालक द्वारा उसके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया तथा गाली गलौज की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना फरीदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। बस परिचालक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम मर्दानी कार्रवाई पर। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।